हेलो फ्रेंड्स, आप एक एप्स एंड रील्स पे और वीकेंड शुरू होते ही डिज्नी मार्वल एमसीयू की एक और सीरीज समाप्त हो चुकी है और उसी के साथ हमने सोचा कि क्यों ना इस न्यू सीरीज का डिस्कशन किया जाए। सो आज मेरे साथ है सौरभ। हाय हाय सौरभ और ओमकार। सो आज हम तीनों मिलके जो नया डिज्नी एमसीयू का शो आया है उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं और जो शो का नाम है वो आप सब जानते हैं व्हाट इफ। और व्हाट इफ आते ही एक ऐसा शो था जिसके लिए आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा लोग एक्साइटेड थे स्टार्टिंग में। ज्यादा लोग एक्साइटेड थे लोकी और वांडा विजन को लेके। तो वो दो शोज ने कैसा फेयर किया वो तो हम सब जानते हैं। व्हाट इफ जिससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी लोगों की, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसे फॉलो किया और मेरे हिसाब से अगर माने तो शो बहुत एक्सेप्शनल क्वालिटी का नहीं था, बट काफी कुछ अच्छी स्टोरीज भी थी इनके पास। सो मेरा व्यू एक कंप्लीट देने से पहले मैं सौरभ आपसे और ओमकार आपसे दोनों से जानना चाहूंगा कि ओवरऑल सीरीज को लेके आप लोगों का क्या हाउ वाज योर रिसेप्शन, व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेशन और उस एक्सपेक्टेशन में कितना खरा उतर के आता है डिज्नी मार्वल का व्हाट इफ। सौरभ हाय विशाल। तो जैसा कि आपने बोला ये एग्जैक्टली ये बहुत ही एवरेज शो है। ऐसा नहीं है कि बहुत ग्रेट है या फिर ऐसा भी नहीं है कि बहुत डिसअपॉइंटिंग है। 30-30 मिनट्स के 9 एपिसोड हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। जैसे कि जैक स्नाइडर हमेशा मार्वल मूवीज के बारे में बोलता है कि सैटरडे मॉर्निंग, इन दिस केस वेडनेसडे इवनिंग कार्टून टाइप का, तो नथिंग टू बैड। इट्स जस्ट दैट कि एज अगेन शायद फैंस को लगेगा कि हम बहुत ज्यादा डीसी की तरफ बायस्ड हैं, बट बीइंग डीसी फैंस व्हाट इफ या फिर अल्टरनेट सिनेरियोस आर नॉट अ न्यू थिंग फॉर अस। लेकिन फॉर एग्जांपल वन ऑफ द रीसेंट डीसी एनिमेटेड मूवी वाज रेड सन, जिसमें द सिनेरियो वाज इफ सुपरमैन वाज रशियन। सो वी हैव सीन दोज एंड द डिफरेंसेस इन दोज मूवीज, या फिर अब किलिंग जोक भी देख लो अगर, which takes place in an alternate background and reality. So in those movies, the creators actually go beyond and push the envelope really hard. Yahan pe they sort of do it, but towards the end, in last two episodes, they fall prey to their own template where they just want everything to sort of get sorted. So yeah, that's my view. Omkar, aapka kya view rahega? Yeah, Vishal, I agree with Saurabh. Overall, we didn't expect from it very much. And Vaisa hi nikla, it was an average Marvel show. What we expected, that was what we got, basically. Iska animation quality was good. Actually, matlab, bahut dikhne mein visually, the show was very good. But overall, the stories was nothing like a radical departure from what we have seen. Like, it was more of a small variation. Agar kya hota yahan pe variation hua to kya hota. So nothing, no story was like a very great departure from the overall MCU storyline. So it was good. There were some standout episodes and there were overall majorly some okay episodes. So overall it was a average show, I think. वाह, मतलब आप लोगों के व्यूज सुन के मुझे ऐसा लगता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा होने वाला है कि मैं जो मार्वल का सबसे बड़ा क्रिटिक होता हूँ मुझे ये शो आई गेस आप दोनों से ज्यादा पसंद आया है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे अच्छे एपिसोड्स थे, बट मैं इतना क्लासिफाई कर सकता हूँ कि आउट ऑफ द 9 एपिसोड्स एटलीस्ट 50% एपिसोड्स वर अबाउट एवरेज भी नहीं, मैं ये बोलूंगा कि गुड टू वेरी गुड की कैटेगरी में वो फॉल करते हैं डेफिनेटली। और हाँ, बाकी के 2-3 एपिसोड ऐसे थे जो बिल्कुल एवरेज से थे, उनमें ज्यादा कुछ आगे लेके जाने वाली बात नहीं थी। एक दो चीजें मुझे जो अगेन ऐसी लगी, जैसे ओमकार ने पॉइंट किया कि दीज वर ऑलरेडी स्टोरीज जो हम सोचते थे कि जैसे किलमोंगर अगर वकांडा का राजा बनता, या एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन से या थानोस से या किसी से हार जाते, and that would have been the final thing. तो ये सारी जो stories थी ये बहुत common सी stories हैं। I guess दो जगह जहाँ इन्होंने सच में risk लिया या सच में कुछ नया करने की कोशिश की, थोड़ा envelope को push किया Marvel ने, वो मैं बोलना चाहूँगा कि एक तो वो zombie वाली जो story थी उसके साथ इन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की, और एक इन्होंने जो Thor की story बताई थी जो आई गेस मुझे वन ऑफ द वीकेस्ट एपिसोड लगा था, कुछ लोगों को एंटरटेनिंग जरूर लगा होगा वो, बट ये दो एपिसोड्स थे जिनमें मार्वल ने कुछ नया करने की कोशिश की बट वो काफी वीक रहे।
तो इसके अलावा बहुत सारे एपिसोड ऐसे थे जहां सच में कुछ ऐसा लगा कि हाँ मार्वल कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, ऑल्दो ये सारी चीजें दूसरी जगह से यू नो कॉपी पेस्ट ही की जा रही हैं। जैसे हम आगे डिस्कशन करेंगे तो पर एपिसोड वाइज भी देखेंगे कि यू नो कौन सा एपिसोड कहाँ से इंस्पिरेशन ले रहा है, बट ओवरऑल जो मैं सोच रहा था कि ये शो यू नो वांडा विजन की एंडिंग से भी खराब होगा, या जो दूसरा विंटर सोल्जर वाला शो आया था जिसे काफी लोगों ने आई गेस नॉन एमसीयू वालों ने नहीं देखा है उससे भी खराब होगा, ये उतना बुरा नहीं था। अगेन जैसे सौरभ ने बोला कि मार्वल फॉलिंग देयर यू नो ओन मिस्टेक अगेन एंड अगेन, कि शो को अच्छा बिल्ड करो और लास्ट के एक दो एपिसोड में इसे एकदम खत्म सा कर दो, तो वो वापस हुआ है। बट ओवरऑल उसके अलावा मार्वल पहली बार सारी सीरीज जहां तक मैं बात करूं तो कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। सो कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सौरभ आपको और ओमकर आपको कौन से एपिसोड सबसे एंटाइसिंग लगे, सबसे एंटरटेनिंग लगे? सो ओमकर मैं आपके साथ शुरू करना चाहूंगा, आपके कौन से एपिसोड्स हैं ऐसे जो आपको यू नो आउट ऑफ दोज 9 एपिसोड्स कि ये सबसे एक्सेप्शनल थे और क्यों? या हाय विशाल, सो आई थिंक ओवरऑल मुझे थर्ड एंड फोर्थ ये दो एपिसोड्स मुझे स्टैंड आउट लगे इन द एंटायर स्लेट ऑफ एपिसोड्स। थर्ड एपिसोड्स वो था जहाँ पे आई थिंक एवेंजर्स को मारा जाता है बाय द पिम गाय हैंक पिम आई थिंक, सो वो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज इट शोड हाउ द एवेंजर्स कुड बी टेकन डाउन। एंड आई थिंक एक पहले एक जस्टिस लीग का कार्टून था जिसमें बैटमैन डिस्कस करता है हाउ टू किल द जस्टिस लीग मेंबर्स इफ दे गो रोग, तो मुझे उससे थोड़ा इंस्पिरेशन लिया लगा, बट ओवरऑल इट वाज वेरी एंटरटेनिंग टू सी हाउ दीज हीरोज कैन गेट किल्ड वन आफ्टर द अदर एंड व्हाट वुड हैपन इन दैट सिनेरियो, तो दिस वाज अ रियली गुड आई मीन अनएक्सपेक्टेड एपिसोड, तो एक अच्छा एक्चुअल व्हाट इफ टाइप एपिसोड लगा जो अपने टाइटल को डिजर्व करता है। And the second episode, I think, was the one where Doctor Strange lost his heart, I think. So basically where he tries to revive his girlfriend again and again using the time stone, but fails in each attempt. So ek pehle ek movie bhi aayi thi, The Time Machine karke. I think it was based on a book, jisme ek similar concept dikha tha, jisme ek the protagonist tries to save his wife after she dies in an accident. Lekin, the way he tries to save it is by going back in time by creating a time machine, but the reason he created the time machine was because of her death, and so he finds that wo usko save nahi kar pata, after each attempt she keeps dying, and mujhe usi ke thoda jhalak ye episode mein dikha, and I like time travel stuff, I like time paradoxes, so this episode was a very good treat for me that way. Time travel stuff always is very interesting. So, ये दो episodes मुझे overall stand out लगे ये series में. In fact, I just want to add to it. Out of the top 3 episodes जो मुझे अच्छे लगे थे, 4th episode is definitely one of them. और in fact, internet पे भी अगर आप देखेंगे, तो Doctor Strange जितना powerful character अब बनता जा रहा है, because at the end of this episode 3 जो Doctor Strange हमें मिलता है and उसी का कल्मिनेशन जब एपिसोड 9 में भी होता है, तो एक तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज अब एक सेंट्रल कैरेक्टर बनता जा रहा है कि यू नो इनके सबसे ज्यादा एपिसोड्स भी थे, इनकी सबसे ज्यादा एंगेजमेंट भी रही, एंड एक तरह से जितने भी मल्टीवर्स खुल रहे हैं, जैसे लोकी ने ऑलरेडी एक मल्टीवर्स खोल दिया है, ये भी मल्टीवर्स की बातें कर रहे हैं, और आगे जाते हुए स्पाइडरमैन में भी जब हमें मल्टीवर्स दिखेगा वहां भी डॉक्टर स्ट्रेंज का प्रेजेंस काफी स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है कि डिज्नी सच में एक तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज को नया आयरन मैन बनाना चाहता है। डेफिनेटली दिस इज आल्सो यू नो वन ऑफ द 3 एपिसोड्स दैट आई लाइक, इनफैक्ट मैं इसको नंबर सेकंड पे रखूंगा, और डेफिनेटली जब मैं अपने एपिसोड्स का डिस्कशन करने आऊंगा तब यू नो आई विल डिस्कस मोर ऑन दिस। मीनवाइल सौरभ आपके कौन से चहीते एपिसोड्स थे? या विशाल, सो या आई डू अग्री विद योर पॉइंट्स। मैं फेवरेट नहीं बोलूंगा, बट द फर्स्ट एपिसोड आई रियली एंजॉयड द फर्स्ट एपिसोड कैप्टन कार्टर, व्हाइल इट वाज जो आप एक्सपेक्ट करते हो उसके अराउंड ही था, जो आपको ट्रेलर से भी समझ में आ गया था, बट इट गेव दैट राइट स्टार्टिंग पॉइंट
जैसे कि मूवीज में वाइल आयरन मैन वॉज द फर्स्ट मूवी, कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर वॉज सॉर्ट ऑफ क्रोनोलॉजिकली द फर्स्ट मूवी इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स. सो आई थिंक उस क्रोनोलॉजी को सही इसमें शुरुआत देने के लिए ये एपिसोड एक ठीक काम करता है. एंड दे प्रेजेंटेड अ फीमेल सुपर हीरो इन अ वेरी पावरफुल वे, एंड स्पेशली वो टाइम दिखाया जब फीमेल्स वेर एक्चुअली इट वॉज मच मोर मेल डोमिनेट सोसाइटी इवन इन द वेस्ट एंड द वे दे शोड हर. सो आई थिंक दैट वॉज अ गुड स्टार्ट, नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट वुड यू एक्सपेक्ट, बट a decent start to the show. The next episode that I like is, I think the sequence would be the Killmonger episode. The second episode. I think it was really interesting because, ये भी एक emotional place से आता है because we all love Chadwick Boseman as Black Panther and unke untimely demise ki wajah se we all sort of missed him. So from that emotional angle it was really interesting to see him come back as a character for an MCU episode. And being the kind of actor he is, kahin na kahin Black Panther ka role jo hai wo ek serious character mein unki acting ability ko reduce kar raha tha. यहाँ पे जब उन्होंने स्टार लॉर्ड प्ले किया तो एक क्वर्की सा कैरेक्टर उन्हें प्ले करने का मौका मिला. एंड स्पेशली द वे दे शोड थानोस इन दिस एपिसोड, सो दैट वाज अ 360 डिग्री टर्न अराउंड कि यू आर शोइंग थानोस एज अ हीरो, नेब्यूला एज अ हीरो, एंड जस्ट दैट सिनेरियो कि स्टार लॉर्ड की जगह अगर कोई इंटेलिजेंट कैरेक्टर होता तो हाउ थिंग्स वुड हैव शेप्ड. सो या इट वाज अ क्वर्की एंड फनी एपिसोड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. इनफैक्ट सौरभ ये एपिसोड भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एपिसोड्स रहा है. एंड जैसे आपने बोला मुझे ये एपिसोड देख के वही मीम हमेशा याद आ जाता है कि जब आप कोई गेम प्ले खेल रहे हो और उसमें किसी विलन को आप एनकाउंटर करें तो विलन तब कैसा दिखता है वर्सेस जब आप उसको एज अ कैरेक्टर अनलॉक कर लें. तो यहाँ मैं जस्ट फाइट्स देख रहा था एंड आई कुडंट यू नो जस्ट रेजिस्ट कि इन दोनों मीम्स में और इस रियलिटी में कितनी सिमिलैरिटीज है. But yeah, interesting right. episode again. So yeah, that was I think the big problem with the show Cap, Falcon and the Winter Soldier, जहाँ पे उन्होंने Bucky को who is I think still one of the strongest villains of MCU as Winter Soldier, उसको एकदम एक teddy bear type character में reduce कर दिया था. Exactly. So that was moving on. Yeah. Finally, जो थर्ड बेस्ट एपिसोड थे उसकी तरफ मूव ऑन कर राइट. या अगेन दिस वन इज आई थिंक ये भी इसलिए क्योंकि बहुत सारे फैन फिक्शंस को इस एपिसोड ने सपोर्ट किया बिकॉज एरिक किलमॉन्गर फ्रॉम अ कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू वाज अ ट्रेजेडी कि अपनी पहली फिल्म में ही बिकेम अ फैन फेवरेट बट देन ही गॉट किल्ड एट द एंड ऑफ दैट मूवी. सो इस कैरेक्टर का पूरा पोटेंशियल निकल के आ ही नहीं पाया बिकॉज इसका स्क्रीन टाइम लिमिटेड था और इसे सिर्फ एक ही जगह पे दिखाया गया था. तो एक्चुअली इस कैरेक्टर की क्या हदें हैं मैं उस एपिसोड में इसमें पता चलता है कि इफ ही वुड हैव प्लेस्ड अ बिट डिफरेंटली देन हाउ स्मार्ट और कनिंग दिस कैरेक्टर वाज टू अचीव हिज गोल्स एंड जो इसका अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कन्विक्शन है. सो या आई थिंक इन छोटे से रन टाइम में this episode told a very long story from a screenplay perspective. So I think this may be episode will be completely interesting. करेक्ट सौरभ. इनफैक्ट ये भी जैसे आपने यू नो राइटली मेंशन किया फैन फेवरेट हमेशा से रहा है किलमॉन्गर और उसकी स्टोरी यू नो इस तरह दर्शाना उसको ब्लैक पैंथर बनाना ये बहुत दिनों से सारे फैंस की चाह. सो फॉर मी दिस इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड बट अगेन ये उसी रेल में फॉल करता है कि हाँ ये जो था वो देखना ही था. अगर मेरे एपिसोड में है तो मेरा बस ये मानना था कि पूरी सीरीज में डेफिनेटली जैसे आप दोनों ने मेंशन किया ये सारे जो एपिसोड्स थे वो स्टैंड आउट करते ही थे. उसके अलावा एक एपिसोड था एक दो एपिसोड ऐसे थे जो एंटायरली न्यू कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे. सो एपिसोड नंबर 5 ज़ॉम्बीज वाला जो था सो ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि सबसे बेहतरीन एपिसोड था. ऑफ कोर्स एक जो ज़ॉम्बी मूवी की जो वाइब होती है
पूरी तरह से वही कैप्चर कर रहा था. हाउएवर क्योंकि कुछ नया था, पहली बार यू नो लोग इन कैरेक्टर्स को एक जॉम्बी लैंड जैसी स्टोरी में देख रहे थे, तो मुझे वो एक यू नो एक रिफ्रेशिंग कॉन्सेप्ट लगा. एंड द फैक्ट दैट स्टार्टिंग में ही उन्होंने जैसे बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग मुझे ये देख के लगा था इनविंसिबल सीरीज आई थी, कि फर्स्ट एपिसोड में ही आपने सारे जस्टिस लीग जैसे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया और उन्हें मार दिया. फ्रॉम देयर वेयर डू यू गो. सो यहाँ भी कुछ वैसे ही हुआ था, स्टार्टिंग में उन्होंने सारे एवेंजर्स के कैरेक्टर्स को मार दिया एंड देन फ्रॉम वहां से वो लोग कैसे यू नो स्टोरी को आगे लेके जाते हैं. कुछ इंटरेस्टिंग यू नो कैरेक्टर्स को उन्होंने जॉम्बी बनता, इनफैक्ट सारे जो मेन कैरेक्टर्स थे उनको तो जॉम्बी बना ही दिया था. उसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स का इंटरेक्शन जो था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था. जैसे स्पेशली उसमें जो स्पाइडरमैन एंड वॉस्प का जो कैरेक्टर था, उन दोनों का जो इंटरेक्शन था वो थोड़ा सा, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स का इंटरेक्शन ऑन स्क्रीन ज्यादा हुआ नहीं है, सो हाउ दे प्ले टुगेदर वो एक अच्छा यू नो कॉन्सेप्ट लगा मुझे. और स्पेशली लास्ट में जो वांडा विच का कैरेक्टर बताया, सो दैट वॉज, क्योंकि तब तक वांडा की इतनी अबिलिटीज, हम वांडा विजन के बाद वांडा को एक यू नो अलग अवतार में देखते हैं कि अरे ये बहुत पावरफुल, बट बैक देन वो इतनी पावरफुल नहीं थी. और सीइंग हर यू नो अनलीश हर पावर इन अ ज़ॉम्बी अवतार, आई गेस ये है सबसे यू नो आइसिंग ऑन द केक था. सो दिस वॉज यू नो माई थर्ड फेवरेट एपिसोड. माई सेकेंड फेवरेट एपिसोड वॉज ऑफकोर्स यू नो डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया. एंड फाइनली माई फेवरेट एपिसोड ये था जो 8th एपिसोड था जिसमें अल्ट्रॉन को जीतता हुआ दिखाया गया. और ये इसलिए भी था क्योंकि स्टार्ट से अगर आप देखें तो बहुत एवरेज सा एपिसोड था. ये अगेन वो वैसे एपिसोड थे जो यू नो एक रेगुलर से थे कि अगर अल्ट्रॉन विलन होता है या थानोस जीत गया होता कम्प्लीटली तो क्या होता. तो आई गेस हाफ वे इन द एपिसोड तब तक ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा था, जनरल जो चीजें चलती हैं वैसे ही चल रही थी. इट वॉज ओनली थ्रू द हाफ वे मार्क जब ये सीन एग्जैक्टली होता है, ऑल्दो ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल सीन है कि हाउ अल्ट्रॉन विद जस्ट यू नो वन स्टोन इज एबल टू किल थानोस, बट इसके बाद से एक बार जब पीस एस्टैब्लिश हो जाता है एंड ही यू नो गेट्स द पावर ऑफ ऑल 5 स्टोन्स, और जब वो यू नो थ्रू द प्रिज्म मल्टीवर्स देख पाता है, उस पॉइंट से आई गेस ये पूरा जो एपिसोड था मेरे लिए टर्न हो गया था. वो व्हाट इफ का नहीं, व्हाट द एफ का एपिसोड बन गया था उसके बाद से, जब से ये रियलाइजेशन वॉचर को हुआ था. सो आई गेस वहां से जो इंटरेस्टिंग टर्न लिया है इस एपिसोड ने, और वहां से मेरा इंटरेस्ट इस एपिसोड के लिए और रिगार्ड्स भी इस एपिसोड के लिए सबसे हाई हो गया. बिकॉज इस एक एपिसोड में लास्ट के 5-10 मिनट में इन्होंने बहुत सारी मल्टीपल रियालिटीज कवर कर दी. जैसे एक रियालिटी में ये लोग जाते हैं जहाँ कैप्टन अमेरिका क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट बनते हैं. ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को लेके गए और वॉचर की मतलब सच में एक तरह से ना एकदम उसकी हवा टाइट हो गई थी लास्ट में. सो इसीलिए ये मेरे लिए यू नो एक बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड बन के रख गया. तो आई गेस दैट वाज ऑल अबाउट यू नो ऑल द इंटरेस्टिंग एपिसोड्स दैट वी हैव. बट व्हाट इफ में अच्छे एपिसोड्स के साथ साथ बहुत सारी यू नो शॉर्टकमिंग्स भी हैं. सो एक बार मैं चाहूंगा कि आप हम लोग यू नो उसकी तरफ फटाफट एक डिस्कशन कर लें. सो सौरभ आपके साथ शुरू करना चाहूंगा. व्हाट डू यू थिंक वो वीक पोर्शंस थे और कैसे इनको सुधारा जा सकता था. या आई थिंक जो अभी हमारे स्क्रीन पे है थॉर वाला एपिसोड वाज प्रीटी वीक. आई थिंक आई डोंट नो मे बी पीपल एंजॉय इट, लोगों को थोड़ा अलग लगा होगा, बट फ्रॉम अ स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम अ लार्जर स्कीम पॉइंट ऑफ व्यू उस एपिसोड का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था आई डोंट नो. अपार्ट फ्रॉम दैट की थॉर गेट सेलेक्टेड एज वन ऑफ द चैंपियंस, जो कि एक दूसरी वीकनेस है कि किस ग्राउंड्स पे द वॉचर डिसाइडेड टू पिक दीज चैंपियंस इज ऑल्सो डिबेटेबल, बिकॉज देर आर ऑब्वियसली इन एवरी रियालिटी मोर पावरफुल कैरेक्टर्स. लाइक अगर इफ ही वॉन्टेड अ वेरी पावरफुल आर्मी देन ही कांट मिस समबडी लाइक कैप्टन मार्वल. और एट द सेम टाइम जो इतना इंटरेस्टिंग एपिसोड था जो उमतार ने पॉइंट किया, जहां पे येलो जैकेट के कैरेक्टर में हैंक पिम किल्स एवरीवन, सो व्हाई वुड यू नॉट टेक अ कैरेक्टर विद दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल. सो या ये थोड़ा सा थोड़े से लास्ट जो बेसिकली जो लास्ट एपिसोड था वो काफी वीक था. सिमिलरली जो एपिसोड हमें एक्चुअली अच्छा लगा है जो पेनल्टीमेट एपिसोड था वेयर अल्ट्रॉन स्टार्ट्स कलेक्टिंग ऑल द स्टोन्स, उसमें भी आई फेल्ट दैट इट वाज
very convenient to show that he doesn't kill those two Avengers and he destroys the entire world. So basically, if he's like destroying universes of universes, how can he spare those two Avengers who are roaming around casually and hunting down him? So उस तरीके से plot holes काफी ज़्यादा थे. One more, I think this would be the last weakness that I would point out and then I will pass it on to you guys, is that जो Gamora वाला episode था, जो I think budget constraint या lockdown की वजह से there were some reasons जिसकी वजह से they couldn't complete it in this season, but उसकी वजह से एक बहुत बड़ा disconnect लगता है finale में जब वो Gamora को लेकर आता है and the plan they make, वो हमें समझ में नहीं आता है, हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं उस पूरे प्लान से. So yeah, those were quite a few pointers from my end. Over to you, Vishal and Ankur. Exactly, मतलब मुझे भी समझ नहीं आया था कि लास्ट एपिसोड में अचानक से Gamora कहाँ से आ जाती है. एक और कंप्लेंट जो मतलब मुझे खाली बिफोर आई पास इट ऑन यू नो टू ओमकार, मुझे जो लगी वॉज की जैसे एपिसोड जो 7 के एंड में ये जो अल्ट्रॉन वाला कैरेक्टर होता है विद ऑल हिज स्टोन्स, वो जो पार्टी थोर है उसके प्लैनेट पे पहुंच जाए एंड देन वहां से अचानक लास्ट एपिसोड में उसको कनेक्ट किया गया बिकॉज ही हैज द पावर कि वो जहां भी पहुंच जाए उस अर्थ को यू नो फटाक से डिस्ट्रॉय कर. सो वो भी एक प्लॉट होल था या आई डोंट नो कैसे उसको कनेक्ट किया जाए. ओमकार, व्हाट डू यू थिंक, आपके हिसाब से क्या वीक पॉइंट्स है? या आई थिंक मुझे भी सौरभ की तरह लग रहा है, द बिगेस्ट प्लॉट होल वाज व्हेन Ultron killed Thanos having 5 stones. Matlab, if that was possible, then Infinity War mein he should have done the same thing in the movie itself. Wo ek plot hole tha. Second, I had also seen ki Loki mein mention kiya gaya tha ki the Infinity Stones in one universe do not work in another universe. To wahan pe exactly. I think wo desk mein Infinity Stones ka ek collection pada hua tha and jo worthless rehte dusre universe mein. To यहाँ पे दिखाया था कि अल्ट्रॉन के इन्फिनिटी स्टोन्स एवरी यूनिवर्स में वो काम कर रहे हैं, मतलब ही कैन गो डिस्ट्रॉइंग ईच यूनिवर्स आफ्टर यूनिवर्स. सो वो भी एक प्लॉट होल था जो जबकि वो जो स्टोन क्रशर रहता है वो दूसरे यूनिवर्स में नहीं चलता. सो आई डोंट नो, राइट, इनका मैथ समझ नहीं आ रहा. वो हाँ, एंड आई थिंक इन्फिनिटी द पॉइंट ऑफ लोकी सीरीज वॉज कि इन्फिनिटी स्टोन्स को भूल जाओ, अभी वी आर मूविंग टू बेटर स्टफ. बट वापस इन्फिनिटी स्टोन्स यहाँ पे लगे, वापस उन्होंने थोड़ा प्लॉट होल्स क्रिएट कर दी ये सब में. एंड द थर्ड वॉज कि मल्टीवर्स में इफ अल्ट्रॉन कैन बिकम सच अ बिग विलन देन वेयर वॉज कैंग इन ऑल दिस. मतलब अगर कैंग इज द बिग विलन ऑफ द मल्टीवर्स देन कैंग को यहाँ पे दिखाई नहीं किधर भी. आई थिंक आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कैंग आके अल्ट्रॉन को फाइट करेगा या समथिंग, बट वो भी कुछ दिखा नहीं. सो ऐसे सब प्लॉट होल्स आई थिंक थोड़ा वीकनेस थे, बट ओवरऑल इट वॉज ओके. आई थिंक also just to add on, I think this was a great opportunity for Marvel to tell individual stories. Jaise ki humne shuruaat mein baat ki is cheez ki, going back and addressing the same thing, ki jab DC ki jo hum animated movies dekhte hain, jab wo elseworld stories karte hain, so they give those stories 100% treatment without the pressure of being part of the larger continuity, because वही तो advantage होता है कि आप elseworld में जाओ तो उस story पे वो pressure नहीं होता है कि वो किसी continuity का part बने. तो ये एक बहुत अच्छी opportunity थी Marvel के पास वो करने के लिए, but just एक वो जो उन्हें universe को combine करने का एक जो template बन गया है again, yeah, it's sort of क्योंकि हमें से किसी के भी the last episode does different thing किसी को भी अच्छा उतना अच्छा लगा है. But I think there's definitely that gap from there. I think the same. I think, matlab, last episode was a mistake. They should not have made the last episode. Each episode should have been a separate story. And that should have been the end of the series. Wo last episode mein, by connecting all of them, they messed up the entire plot, I think. Aur ye problem Marvel ko na bahut dinon se plague kar rahi hai because I've seen this is, I guess, Loki was the only show जहाँ मुझे लगा कि ending उन्होंने you know कुछ ऐसे scale पे की कि वहाँ से कुछ नई stories you know जन्म ले. But बाकी WandaVision इतना अच्छा show, उसकी ending को इन्होंने इतना you know water down कर दिया. Same ये show बहुत अच्छे से जा रहा था, मतलब बीच में एक दो episodes down थे, but बाकी overall काफी अच्छा show चल रहा था. और उसको अगर as a anthology series ही रखते तो मुझे लगता है ज़्यादा better होता. Besides this, एक पॉइंट जो मुझे लगा लिटरली आपने अपने जो
क्या बोलते हैं थानोस सागा वाला जो था या इंफिनिटी सागा के जो मेन हीरो थे आपके आयरन मैन, उनको तो लाफिंग बट ऑफ जोक ही बना दिया है, बिकॉज इन एवरी स्टोरी आई सी आयरन मैन ईदर डाइंग ईदर बिकमिंग अ ज़ॉम्बी और समथिंग, तो एक तरह से उस चीज को पता नहीं क्यों इन्होंने, एंड द ओनली एपिसोड वेयर ही could have probably cleared the line वो हमें दिखाया नहीं गया गमोरा वाला एपिसोड. Exactly. So yeah. भले एक छोटे से मैं सिर्फ इतना बोल रहा था कि भले एक छोटे से flashback style में वो एपिसोड भी हमें अगर समझा देते, I don't think that would have costed them a lot of budget. Maybe just using a few slides if they could have taken it, at least that would have given the characters some justice. But yeah, overall a big failure as far as Iron Man as a character. And one more thing I would like to point is ye jo actors hai, half of them only came for the show, half of them declined to come for the show, so wo mujhe ek thoda weird laga. I mean half of these actors ke careers sirf MCU ke wajah se ban gaye hai, so I think ek record karne mein I don't think itna zyada time ya ka constraint jata hoga, so at least they should have supported this series. I feel जैसे चैडविक बोसमैन ने किया बाय वॉइसिंग ब्लैक पैंथर फॉर दिस सीरीज, अदर्स कुड हैव आल्सो डन द सेम थिंग, एंड नोबडी प्रमोटेड दिस सीरीज एज वेल. मतलब या आई डिड नॉट सी कि ट्विटर पे कुड बी अ मिस ऑन माय पार्ट, बट आई थिंक फ्रॉम अ मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो दिस वाज अ ह्यूज चांस फॉर द एंटायर मैग्नमस कास्ट ऑफ एमसीयू टू सॉर्ट ऑफ प्रमोट इट एंड यूज डिजिटल मार्केटिंग एज अ टूल, बट आई ऐसा लगा कि they have sort of got their piece of cake and they would want to give it back to the production house. Exactly. Coming on to the final question, what the finale? Just वैसे तो हमने discuss कर ही लिया, but उनका how do you feel कि इसको थोड़ा सा और salvage किया जा सकता था? I think जैसा मैंने कहा, I think the finale should not have been done in the first place itself. मतलब वो connection करने की जरूरत ही नहीं थी. All these episodes should have been separate stories and वहाँ पे ही खत्म हो जाने चाहिए थे. वो finale I think एक misstep था. They should not have made the finale. That is what I feel. And overall the finale felt like another big Marvel fight at the end of every movie, epic fight जिसमें finally the heroes win and the villain loses. वो ही लग रहा था देख के. मेरे को लग रहा है ना अभी भी वो जो problem है ना villain वाली वो अभी भी plague करती है. MCU को they still haven't you know found great villain. I guess Thanos was the only exception. उसके अलावा they still need to work on it. Hopefully you know with the way hoping big things from Kang. The way they I think Doctor Strange I think was building up to a great villain, but I think again it was too big a risk for them to take कि final में Doctor Strange को कैसे villain दिखाएं the way he was changing. Then even Ultron was fine in the penultimate episode, but I was hoping for more of a philosophical war in the last episode, because this was their chance to change those high VFX fights and probably show ki itne bade villain ke saath aap philosophical level pe jaake battle karke kya aap usse for example if we could मतलब थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट लाके अगर इस चीज को एड्रेस करते, सो दैट वुड हैव बीन अ बिट डिफरेंट. नाउ इट जस्ट एंडेड अप बीइंग अ वेरी एवरेज थिंग. मतलब ही कुड डिस्ट्रॉय यूनिवर्सेस एंड हियर ही डिड नॉट किल इवन अ सिंगल एवेंजर, सो सॉरी गार्डियंस ऑफ मल्टीवर्स. सो यार न्यू टीम, एक और नई टीम ऐड की कर दी गई. तो आई गेस या दैट्स यू नो सम मोस्ट ऑफ अस मोस्ट ऑफ दिस डिस्कशन. फाइनली जाने से पहले जस्ट एक चीज पूछना चाहूंगा, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब सीजन टू इस यू नो व्हाट इफ सीरीज का ऑलरेडी ग्रीनलिट हो चुका है, व्हाट डू यू थिंक कि सीजन टू में क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए स्पेशली? सो या ओमकार, आई थिंक लाइक मे बी जैसे डीसी इनजस्टिस टाइप सीरीज करता है जिसमें वो व्हाट इफ सुपरमैन वाज ट्रूली इविल, वैसे टाइप इफ they make like something like what if Hulk went totally berserk, matlab Hulk uncontrollable ho jaye and wo pure planet ko destroy karne lage, what would happen in that case? Waise kuch kare to it would be something unique, I think. Sach mein, aur Marvel ko, although Marvel unique cheeze kar raha hai ab,
बट दिस इज ऑल्सो माई यू नो, अगर मार्वल वाला कोई सुन रहा है तो हमारा मैसेज वही है कि यार जो नए कैरेक्टर्स हैं उनको थोड़ी और स्पेस दे दो एंड ट्राई समथिंग न्यू जो यू नो सच में ग्राउंड ब्रेकिंग हो. डीसी ज्यादा फेल होता है डेफिनेटली, बट डीसी जब यू नो मन से एक मूवी बनाता है, जैसे जोकर का एग्जाम्पल ले लें, वॉचमैन ले लें या डार्क नाइट ले लें, तो वो ट्रूली एक नया स्टेप होता है कॉमिक बुक की दुनिया में. सो लेट्स होपिंग एनिमेटेड मूवीज में डीसी का हाथ आई डोंट थिंक कोई पकड़ सकता है. मतलब फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स देखो तो वहां पे उन्होंने स्टेक्स इस हद तक लिए हैं कि वंडर वुमन एंड एक्वामैन आर गोइंग फॉर वर्ल्ड वॉर 3. या फिर जो उनका रिसेंट रन हुआ है मूवीज का, उसमें एट द एंड ऑफ द डे हाफ ऑफ द कोर ऑफ अर्थ इज डिस्ट्रॉयड एंड उसके बाद भी दे नो कि द फ्लैश पॉइंट वुडंट गिव देम एनीथिंग गुड, बट स्टिल दे टेक दैट स्ट्रॉन्ग कॉल कि इससे बुरा क्या होगा, शायद इससे थोड़ा ठीक हो जाएगा. सो व्हेन दे गो एल्सवर्ल्ड दे आर रेडी टू टेक दोस बिग रिस्क. सो या फ्रॉम नेक्स्ट सीजन मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ इस तरीके से होगी कि इनकी एक अल्टीमेट्स नाम की कॉमिक बुक सीरीज है जो मैंने पढ़ी है, जो बहुत ही अच्छी थी, जिसमें एवेंजर्स आर सॉर्ट ऑफ बिकम, दे हैव सॉर्ट ऑफ बिकम पॉलिटिकल फिगर्स एंड दे आर कंट्रोलिंग द थिंग्स. वो एक सीरीज थी जो कॉमिक बुक की सिविल वॉर थी. दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. इट वॉजंट एन एयरपोर्ट फाइट, इट वॉज अ मैसेकर. देन देयर वॉज एन ऑल्टरनेट कॉमिक बुक लाइन विच वॉज व्हाट इफ सिविल वॉर नेवर एंडेड. नाउ दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. सो आई थिंक they have a lot of interesting stuff in their store. They just need to stop this craziness of building in a big universe and try to tell strong individual stories. Bhale hi aap 3 episode ek stand alone story ko do, but aap aise karo. That is what I would suggest. And I hope your suggestion is heard by some MCU people here. So, मेरा भी घुमा फिरा के हम लोग वही बोलना चाहते कि या दिस एमसीयू इज टर्निंग आउट टू बी बेटर देन बिफोर, बट अभी भी वो जो एक यू नो सेफ्टी नेट होता है ना उसके अराउंड ही ये लोग खेल रहे हैं. सो होपफुली जैसे ये लोग धीरे धीरे अपना एनवेलप स्ट्रेच कर रहे हैं नई स्टोरीज को जो इनके पास ऑलरेडी है या जो दूसरे कॉमिक बुक हाउसेस कर रहे हैं, जैसे इनविंसिबल ने यू नो एक बहुत अच्छा रन लिया, बॉयज ने एक नई राह दिखाई है कि यू नो दिस एरिया कैन आल्सो बी एक्सप्लोर्ड विद व्हेन इट कम्स टू कॉमिक बुक मूवीज, और डीसी यू नो आए दिन कुछ ना कुछ करते रहता है उस डायरेक्शन. सो होपफुली एमसीयू जो सबसे पॉपुलर कॉमिक बुक हाउस बन गया है अब यू नो ऑलमोस्ट हर जगह, क्योंकि इनकी कोई भी मूवी हो वो फ्लॉप होती नहीं है. जब इतनी बड़ी फैन बेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो होपफुली ये एक नई चीज को ट्राई करें आने यू नो आने वाले टाइम. सो आई गेस दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन. थैंक यू सो मच सौरभ, थैंक यू सो मच ओमकार फॉर ज्वाइनिंग अस एंड हैविंग दिस वंडरफुल डिस्कशन. एंड गाइस इफ यू प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस वीडियो, हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस शो. वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल केप्स एंड रीड. थैंक यू सो मच.